जय हिंद। नमस्कार साथियों, यहाँ पर आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रैक्टिस पेपर की दो बुक्स का रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि आर्मी की जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास टाइम कम होता है रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए। जब फिजिकल होता है उसके बाद में कम ही टाइम मिलता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस की कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, 100% सच रिव्यू मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। आपको खुद मैं आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी कि कौन से बुक जो है वो आपके लिए बेहतर होगी मेरे हिसाब से, और आप खुद भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट से मैंने पता किया है कि कौन सी बुक्स वो है जो प्रीफर कर रहे हैं आजकल, तो उसमें उन्होंने बताया है कि SK पब्लिकेशन की बुक है, जो ये रेड बुक है वो भी मैंने यहाँ पे ली है, और जो तरुणा पब्लिकेशन की बुक है वो भी मैंने यहाँ पे ली है। दोनों बुक्स आपके सामने हैं जो आजकल स्टूडेंट्स अपनी तैयारी के लिए प्रीफर करते हैं। इनमें से कौन सी बुक जो है वो बेटर रहेगी ये देखेंगे। तो देखिए, इस बुक का नाम है यहाँ पे आर्मी जनरल ड्यूटी GD आर्मी के अभ्यास पेपर सेट, ठीक है। और ये बुक है यहाँ पे, इसका कवर पेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आर्मी प्रैक्टिस पेपर जनरल ड्यूटी लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। ये नए CE पैटर्न पर आधारित है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और व्याख्या के साथ इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं। गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है और 1000+ प्रश्नों का संग्रह है, 10 वर्षों की प्रैक्टिस 10 दिनों में, और एक ऐसी पुस्तक जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। ये है इनके कवर पेज, दोनों के कवर पेज मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब ओपन करते हैं, पहले SK पब्लिकेशन की बुक को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, ये इसका फर्स्ट पेज है। यहाँ पर इन्होंने अपनी कोचिंग का एड दिया है, हमें देखना है सिलेबस। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, तो यहाँ पे भी कोचिंग का ऐड दिया है और ये पेपर सेट 1 आ जाता है। एक मिनट, मैं सिलेबस देख लेती हूँ। सिलेबस इस बुक में थोड़ा नहीं दिया हुआ है, शायद नहीं दिया है इस बुक में सिलेबस, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं पेपर सेट, पेपर सेट 1, फिर पेपर सेट 2। पेपर सेट में सभी क्वेश्चन है, ये यहाँ GK के, फिर साइंस के, फिर मैथ्स के, फिर रीजनिंग के, और ये पेपर सेट 2 यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह से ये सभी पेपर सेट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे, GK के बाद में यहाँ पे विज्ञान है, विज्ञान के बाद में यहाँ गणित है, लेकिन इसमें रीजनिंग, जो अब नया CE पैटर्न है उसमें रीजनिंग भी ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत बात है इसकी, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होने चाहिए थे। स्टार्टिंग के पेपर्स में तो रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन बाद में आगे जो पेपर आते हैं उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं दिए हुए। देखिए, ये जैसे 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी GK विज्ञान गणित आ चुकी है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में जब मैं आती हूँ यहाँ पे, ये देखिए पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन मैं यहाँ देखती हूँ, जो भी ऑप्शन सही है वो बताया हुआ है और उत्तर सहित व्याख्या यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, तो 16 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। फिर सीधी ये यहाँ पे अभी साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ये मैथ्स के क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे इनकी व्याख्या दी हुई है, और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब पेपर सेट 2, पेपर सेट 2 में डायरेक्ट उत्तरमाला दी हुई है, डायरेक्ट ऑप्शन बताया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिए हुए। अब मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट अगर किसी एग्जाम में आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को नहीं आए, कैंडिडेट नहीं समझ पाए, तो उसके लिए जरूरी है सॉल्यूशन देना। तो इसका सॉल्यूशन नहीं बताकर ये थोड़ा खराब चीज की है। बाकी ये बुक अच्छी थी, पर सॉल्यूशन देने चाहिए थे। बिना सॉल्यूशन दिए स्टूडेंट जो है वो कैसे तैयारी करेगा, तो ये बात थोड़ी सी मुझे यहाँ बुरी लगी। पेपर सेट 3 में भी सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए, मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर होने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो है पेपर सेट 4, इसमें कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं, वो भी सिर्फ रीजनिंग वाले पोर्शन के, मैथ्स वाले पोर्शन के सॉल्यूशन नहीं है। ये ऐसे ही पेपर सेट 5 में कोई एक दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बाकी सॉल्यूशन नहीं दिए हुए।
तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पे बुरी है। आगे हम जब देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल रहे हैं कोई कोई पेपर सेट में, और जैसे ये कि आपके सामने मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ, 17, 18, 19, 20, 21 सीधे उत्तरमाला दे रखी है। तो सीधे उत्तरमाला नहीं दे के सोल्यूशन करके पूरा ट्रिक के साथ या व्याख्या के साथ दिखाया जाए तो वो बेटर रहता है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, आर्मी प्रैक्टिस पेपर। मैं बस यहाँ बताऊंगी कि किस बुक में क्या चीज है। तरुणा पब्लिकेशन की बुक है ये। यहाँ पे ये सबसे पहले दिया है पैटर्न। हाँ, ये कम अच्छा किया है पैटर्न। देखिए यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, ये मार्किंग सिस्टम दिया हुआ है जो नया सीई पैटर्न है वो। तो ये यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जीके में, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे ये भी बताया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो भी बताया हुआ है। देखिए ये रसायन विज्ञान में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बनेगा ये भी बताया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट में ये बताया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे है गणित, गणित में यहाँ पे अंक गणित बीजगणित सब पूरी जानकारी जो है सिलेबस की दी है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो भी बताया हुआ है। ऐसे ही तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का बताया हुआ है। देखो कोई भी आपको डाउट हो या आपको फ्री नोट्स चाहिए तो यहाँ पे ये इन्होंने अपने नंबर दिए हैं, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फ्री नोट्स या अपनी बुक जो है वो बुक ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू, या जो है आप ई बुक भी इसकी ले सकते हैं। ई बुक भी इन्होंने बहुत सस्ती दी हुई है। ये जो येलो बुक है ये 20 रुपीज़ में, ओनली 20 रुपये में, 20 रुपये हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं और सिर्फ 20 रुपये में ई बुक इन्होंने दी है जो आप अपनी मोबाइल पे पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने अपनी एक और ग्रीन बुक भी दी है। ये ग्रीन बुक है जो कि सिर्फ ई बुक मिलेगी आपको 30 रुपये में, 30 रुपये में मिलेगी और ये आप अपने मोबाइल पे पढ़ पाएंगे। इसके अलावा आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल का मार्गदर्शन दे रखा है और यहाँ पे ये जो है कलर विजन चार्ट भी दे रखे हैं, पर ये भी काफ़ी अच्छी बुक है इनकी और ये फुल सिलेबस बुक है। एक्चुअली ये बुक जो है वो फुल सिलेबस बुक है, लेकिन इस वीडियो में हम इस बुक की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपनी ये जो ग्रीन बुक है उसका ऐड किया है और यहाँ पे ये जो विषय सूची है वो दी हुई है। अब प्रैक्टिस पेपर 1 यहाँ पे है, आगे ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। देखो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मतलब जो नया सीई पैटर्न है उस पर बेस्ड है ये बुक। सभी पेपर सेट में देखेंगे हम पीछे तक कि रीजनिंग दी हुई है या नहीं दी हुई। तो यहाँ पे हाँ देखो लास्ट तक भी सभी में रीजनिंग यहाँ पे दी हुई है और कोई डाउट रहे तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ कि इन्होंने सोल्यूशन दिया है या नहीं। सोल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में सोल्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 जैसे है, यहाँ पे इसमें ये उत्तरमाला दी है और उसके बाद में हर एक क्वेश्चन 36, 37, 38, 39, 40, 41 हाँ जी बाय ट्रिक के साथ भी बताया हुआ है और बेसिक से भी बताया हुआ है। तो ये बात मुझे इनकी पसंद आई है। और यहाँ पे जहाँ पे नोट देने की आवश्यकता थी कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ऐसे नोट दे के भी बताया हुआ है और डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। और मैथ्स के क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, तो ये ट्रिक से भी बताया हुआ है और बेसिक से भी बताया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखती हूँ मैं, सारे प्रैक्टिस पेपर देखूंगी मैं कि सब में सॉल्यूशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो देखो रीजनिंग वगैरह के मैथ्स के सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए मिल रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाना चाहूंगी कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से मैथ्स और रीजनिंग दोनों को समझाया गया है यहाँ पे। तो ये मुझे यहाँ पे इनकी पसंद आई ये चीज़ कि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो ये काफ़ी बेहतर है। तो ये 2 बुक थी जो अभी मार्केट में अवेलेबल है जो कि आर्मी की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी हैं। अब कौन सी बुक आपको बेटर लगी, मैंने जिस बुक में जो भी चीज़ें हैं दोनों की आपको पूरी तरह से बता दी है, जो भी बुक आपको पसंद आए वो बुक आप अपनी खरीद सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं।
कोई और अगर डाउट्स आपके मन में रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और फ्री में नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।